मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। वो गुंडे इन दोनों को पकड़कर मार देना चाहते थे। वो उन गुंडों का लीडर चेन उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। फिर वो लोग इस लड़की को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों को जान से मार देते हैं। यहीं पर सीन चेंज होता है और यहाँ हम लोग फिर एक कपल को देखते हैं जो कि गांव में नदी किनारे मछली पकड़ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करने वाले थे। लड़की का नाम बुआ था और वो गूंगी थी। उसके बॉयफ्रेंड का नाम जॉन था। जब ये लोग वहाँ से वापस गाँव की तरफ जा रहे थे तभी कुछ लड़के उन पर पत्थर फेंक कर हमला करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, पर बुआ के सर पर बहुत चोट लग जाती है जिसके कारण खून बहने लगा था। जॉन बुआ को उसके घर ले जाता है और बुआ की माँ उसके चोट पर जड़ी बूटी लगा देती है, लेकिन बुआ अचानक रोने लगती है क्योंकि उससे अपने पापा की याद आ रही थी। वो उन्हें बहुत मिस करती थी क्योंकि उसके पापा उसे और उसकी मॉम को छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जा चुके थे। बुआ की मॉम जॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें बुआ को छोड़ देना चाहिए, वो तुम्हारे काबिल नहीं है और तुम्हारे परिवार वाले इसे कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बोल नहीं सकती है। लेकिन जॉन उन्हें कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बुआ से बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूँगा। उसके बाद जॉन अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड के पास बैठकर बातें करता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें बुआ का साथ छोड़ देना चाहिए, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुमने उसे शादी की तो पूरे गांव में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन जॉन उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। फिर देखते हैं कि कुछ लड़के होटल में बैठे होते हैं। कुछ देर बाद वहां पर वेट्रेस ऑर्डर लेने आती है। वो लोग उस लड़की पर गंदी नज़र डालते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गैंग के लीडर को एक थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो लीडर जिसका नाम चेंग होता है वो अपने घर जाता है और वहाँ उसकी वाइफ उससे लड़ने लगती है क्योंकि वो पूरे दिन घर से गायब रहता था और दोस्तों के साथ ड्रिंक करता था। फिर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि तालाब के पास एक औरत की मछली चुरा कर भाग रहा था। उसके बाद ये लोग एक जगह पर बैठ कर इस मछली को मज़े से खा रहे थे। वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे तभी उनकी नज़र जॉन और बुआ पर पड़ती है जो कि गाँव जा रहे थे। वो लड़के इन दोनों का रास्ता रोककर बहुत बदतमीजी करने लगते हैं, इनको मारते हैं और उनकी मछली भी छीन लेते हैं। लेकिन वहां पर उसी वक्त चेंग की वाइफ आती है और इन तीनों को डांटकर भगा देती है। जॉन और बुआ भी सुरक्षित अपने गांव चले जाते हैं। यहाँ पर एक बौना लड़का दुकानदार का केला चुराकर भाग रहा था। उसी रास्ते से बुआ भी जा रही थी और उसके हाथ में भी सब्जियां और केले। दुकानदार को लगता है कि उसने ही केले चुराए हैं और वो बुआ से केले छीनकर उसे मारने लगती है और गाली देकर बहुत इंसल्ट करती है। बुआ बहुत रोती है और इशारे से समझाने की कोशिश भी करती है कि उसने केले खरीदे हैं, चुराए नहीं हैं, लेकिन दुकानदार उसकी बात नहीं समझती। फिर वो अपने सारे बिखरे हुए सामान को समेट कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जॉन की मॉम को देखते हैं जो कि बुआ की मॉम से मिलने आई थी। वो उनसे कहती है कि तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखो, उसके कारण गांव में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है और उसके गूंगे होने के कारण गांव में सब उसे मनहूस मानते हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख होता है क्योंकि रियलिटी में बुआ एक बहुत अच्छी लड़की है और उसका दिल भी बहुत साफ है। फिर बुआ अकेले एक जगह पर जाकर बहुत रोने लगती है क्योंकि सब उसकी बिना वजह इंसल्ट करते रहते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आता है, उसे रोता देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से उसको खुश कर देता है। फिर दोनों नदी किनारे मछली पकड़ने चले जाते हैं। वो लोग मछली पकड़ रहे थे तभी वो तीन गुंडे चुपके से बुआ को पकड़कर जंगल में ले जाते हैं। ये देखकर जॉन भी उन सब के पीछे आता है और बुआ को बचाने के लिए उनसे डरने लगता है, लेकिन ये लोग फाइटर्स थे इसीलिए जॉन इनसे जीत नहीं पाया और वो लोग जॉन को बहुत मारते हैं। चेंग जॉन के सामने ही बुआ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो तीनों बुआ के साथ बहुत बुरा करते हैं। वो लोग इन दोनों को जान से मारना चाहते थे लेकिन बुआ इन सब के हाथ जोड़ती है क्योंकि वो उन्हें ना मारे। वो इन सब के सामने अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता और वो लोग बुआ और जॉन को बेरहमी से मार देते हैं और ज़मीन में दफना देते हैं। अब रात हो चुकी थी, बुआ की मॉम उसका इंतज़ार कर रही थी लेकिन वो नहीं आती। पूरी रात इंतज़ार करने के बाद वो जॉन की मॉम के घर जाती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। तब उन्हें भी याद आता है कि जॉन भी अभी तक घर वापस नहीं आया। अब उन दोनों की फैमिली उन्हें ढूंढने निकल जाती है। वो लोग नदी के किनारे जाते हैं लेकिन वहाँ उन दोनों की कोई खबर नहीं थी। उन लोगों की नज़र एक लेडी पर पड़ती है। वो लोग उससे अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं तो वो औरत कहती है कि मैंने उन दोनों को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था और उनके पीछे वो तीन गुंडे भी पड़े थे। अब उनके पेरेंट्स चेंग के पास जाते हैं और अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं लेकिन चेंग इनका कोई जवाब नहीं देता और उनकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। अब ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं अपने बच्चों का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन इनके पास सबूत ना होने कारण पुलिस भी इनकी कोई मदद नहीं कर पाती है। ये लोग बहुत उदास हो जाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। बुआ की मॉम घर जाकर बहुत रोने लगती है और ये लोग बहुत गरीब भी थे इसीलिए इनकी मदद कोई भी नहीं करता है। उन तीन गुंडों में से एक लड़का जंगल की तरफ जा रहा था जिसका नाम लेक था। वो बहुत उदास था क्योंकि जॉन और बुआ को मारने के बाद उसे बहुत गिल्ट हो रहा था। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं और उसके उदास को देखकर हाल पूछते हैं।
लेकिन लेक कहता है कि हमें गांव वालों को बता देना चाहिए कि जॉन और बुआ को हमने ही मारा है। ये सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन लेक की तरफ कर लेता है और उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो वो हमें जेल भेज देंगे। उसके बाद ये तीनों जंगल में जाकर अपना शिकार करने लगते हैं। तभी उन्हें अचानक वहां पर एक साया दिखाई देता है जो कि बुआ का था। वो दोनों यहाँ से डर कर भाग जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। वो तीनों एक जगह पर पार्टी कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी थी। ये सब लोग बहुत नशे में होते हैं। जब ये सब अपने घर जा रहे हैं तभी तीनों को एक एक करके बुआ दिखाई देती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद से हमेशा उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और हर तरफ बुआ का भूत नजर आता है। अगले दिन लेक जंगल में शिकार करने जा रहा था तभी उसे पीछे से कोई आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे घूमता है वो उसे मार देता है। अब इन तीनों में से दूसरे को देखते हैं, उसे भी बहुत डरावने सपने आते हैं। वो अपने गॉड के पास जाता है और उनकी पूजा करने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि गॉड उसे आत्माओं से बचा लेंगे। चिन को भी बहुत डरावने सपने आते थे। अगले दिन इन दोनों में से एक नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है और इसे भी कोई जान से मार देता है। अब इस गैंग में सिर्फ चैंग जिंदा था और वो अपने घर में सो रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए निकल जाता है। तब उसे बुआ नजर आती है और वो जल्दी से चाकू निकाल कर उसे मार देता है। और जब उसे नज़दीक से देखता है तो उसकी वाइफ ही होती है। ये देखकर वो पागलों की तरह रोने लगता है। इतने में से ही पीछे से उसके सर पर कोई मारता और बेहोश कर देता है। जब चैंग को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पूरे शरीर में रस्सी बंधी हुई थी। तभी चैंग को बुआ और जॉन के एक साथ नजर आते हैं। यहीं पर हमें मालूम होता है कि जॉन और बुआ उस वक्त नहीं मरे थे बल्कि वो जिंदा थे। ये दोनों चैंग को सब कुछ बताते हैं कि वो दोनों कैसे बचे। उस दिन जब उन तीनों गुंडों ने उन्हें दफना दिया था उसके थोड़ी देर बाद वहां पर बारिश होने लगी थी जिसकी वजह से जॉन को होश आ जाता है और वो बाहर निकल जाता है। फिर वो बुआ को भी कवर से बाहर निकाल लेता है। इसी तरह वो दोनों बच जाते हैं और चैंग को ये भी बताते हैं कि उन्हीं ने उनके दोनों साथी को मारा है। एक दोस्त के एक प्राइवेट पार्ट में गोली मारकर उसको मार दिया और दूसरे को पानी में डुबा कर मार दिया। अब सिर्फ चैंग ही बचा था और अब वो दोनों इन दोनों में सामने गिड़गिड़ाता है, अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगता है। लेकिन ये दोनों उसे माफ नहीं करते और उसे रस्सी से उल्टा लटका देते हैं और कुछ देर में चैंग भी मर जाता है। इसी के साथ इनका बदला पूरा होता है और ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।